ग्रामीणों की शिकायत आवास योजना में नाम जोड़वाने के लिए मांगा जाता है मोटा रकम। जमुई झाझा से सुजीत कुमार संघ वसीम अक्रम की रिपोर्ट। सोनो प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढोडरी कसियाटार तुरी टोला के लगभग 50 घरों की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। ग्रामीण दिन में पेड़ की छाया में समय बिताते हैं और रात में सड़क किनारे सोते हैं। बरसात में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत पहले ग्रामीणों को आवास मिला था, आज घरों का स्थिति बिल्कुल जर्जर है। छत गिरने से कई लोग कई बार घायल भी हुए। ग्रामीणों गुड़िया देवी, कविता देवी, पानो देवी, गीता देवी ने कहा, आवास मरम्मत करने के लिए कभी भी हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। आवास में नाम जोड़ने के बदले मोटा रकम मांगा जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा के अभाव में आवास योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष विनोद यादव उर्फ फुटल कपार ने कहा, रहने का तो घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, मेरा खुदा है रखवाला। यह गीत ढोडरी पंचायत के कसियाटार तुरी टोला में सटीक बैठता है। आवास योजना का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे गरीब गुरुआ को मिलना चाहिए, लेकिन ढोडरी पंचायत में पैसा फेंको तमाशा देखो का हाल है, जो कि दुर्भाग्य है। इस गांव में धरातल पर सरकार का कोई भी योजना नहीं है। जन संघर्ष मोर्चा सचिव सुरेश कुमार वर्मा, बुलो मंडल, बसंत कुमार, राकेश कुमार, रीता देवी, गगिया देवी, सोनी देवी, नुनेश्वरी देवी, कमली देवी के अलावे दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? बिगनी देवी। बिगनी देवी, क्यों आवास नहीं मिला? काहे आवास नहीं मिल रही बताओ? नहीं मिले सर, जगरा हाथ माथ में तेला है उसका मिलता है, और हमको क्या मुखड़ा मुड़ा कुछ ना मिलता है। तो मतलब यहाँ आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए पैसा मांगता है? हाँ मांगता है जरूर, और खाए दिन मरता है सरता, हम कहाँ से ध्यान देगा। बाल बच्चा तनी तनी छटा छटा के मजदूरी करके खियाता है। दुर्भाग्य है, जहाँ गरीब दिखिए। आपको बता दें कि सरकार का जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है किनको मिलना चाहिए, यानी कि समाज के जो सबसे नीचे पायदान पे लोग बैठे हुए उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पैसा का खेल होता है, यहाँ पे तो रुपया का खेल होता है, जिसके कारण जो पैसा देते हैं उनको आवास मिलता है और गरीब बेचारा गरीब ही रह जाते हैं। ये दिखा रहे हैं आपका लाइव, आपको दिखा रहे हैं ये आपका सोनो प्रखंड अंतर्गत ढोडरी पंचायत के कसियाटार गाँव से। धन्यवाद। पति जी हमको नंगर कुंवर हो गया, कमे नहीं पड़ता है, मन छन के खाता है, मन छन के रहता है सर, कैसे हम जब पालेगा पति जी। देखिए यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, ये कुटिया कहेंगे आप, कुटिया कहेंगे, ये कुटिया है बिल्कुल, और ये कुटिया में लोग अपना जीवन जीने पे जो है विवश है। इसका कारण क्या है? इसका साफ कारण यही कि इंदिरा आवास बहुत पहले मिला था। नहीं मिला सर, हमको नहीं मिला है। आपको मिला ही नहीं? नहीं मिला है बिल्कुल, इनको नहीं मिला है। और समझ लीजिए कि यहाँ का जो है, आप क्या बोल रहे, जनप्रतिनिधि की बात करें या फिर पदाधिकारी की बात करें या फिर आवास सहायक, वो क्या करते हैं, आखिर किनको देते हैं? तो प्रश्न तो उठता है कि भैया जिनके पास पैसा है उन्हीं को जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है। लोग से अभी आपको हम हूबहू करवाएंगे और लोग खुद बताएंगे कि जब आवास योजना जोड़ने की बात आता है तो उस समय गरीब लोगों से पैसा मांग का डिमांड किया जाता है, और पैसा नहीं देने के कारण ये गरीब लोग को जो है आवास नहीं मिलता है। नाम क्या हुआ आपका? गायत्री देवी। गायत्री देवी नाम हुआ, कैमरामैन से कर रहे हैं, और आगे नजदीक आ जाइए। नाम क्या हुआ आपका? गायत्री देवी, पति का नाम बलराम श्री। अच्छा ये बताइए, आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला है सर। काहे नहीं मिला है आवास? काहे नहीं मिला है, अब जाते हैं मुखिया के पास तक बोलता है कि होगा होगा। आवास सहायक आता है, सुनते हैं कि आवास सहायक आता है और बोलता है कि आवास में नाम तभी आएगा जब आप, यहाँ आएगा वो सूची में नाम नहीं है, सूची में नाम आएगा तब होगा। और पैसा मांगता है इतना, 20,000-30,000 घुस पहले लाइए तब होगा। पैसा पहले दीजिए तब होगा, और पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। खाने को नहीं मिलता है सर, तो हम पैसा कहाँ से देंगे? ये कितना दुर्भाग्य है। और ये एक नहीं, आपको यहाँ पे 40 घर का स्थिति, 40 घर नहीं सर, बहुत घर है, कम से कम 50-60 घर है। 50-60 घर की स्थिति बिल्कुल इसी तरह जर्जर है, तो किसी तरह अपना जीवन यापन लोग यहाँ पे कर रहा है, किसके पास जाएगा भैया? कहता है कि सैया भइल कोतवाल तो डर का है के, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है अब मुखिया जी के पास जाते तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ के लोग अगर BDO साहब के पास तो जाने का हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे ही गेट पे जाते हैं तो बोलते हटो हटो जाओ जाओ।